नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। बदला लेने की कहानियां तो आपने कई पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। प्रतिशोध की यह कहानी है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के छोटे से गांव रत्तागढ़ खेड़ा की। यहां 4 जनवरी को एक किसान खेत पर सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का बटन दबाता है और तेज धमाके के साथ उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। विस्फोट की आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। आसपास के लोग मौके पर पहुंचते हैं तो वहां हर तरफ शरीर के अंग बिखरे पड़े मिलते हैं। पुलिस बुलाई जाती है, जांच होती है और हत्या के पीछे कहानी जो निकल कर आती है वो गांव वालों की सांसें रोक देने वाली होती है। सिलसिलेवार तरीके से जानिए घटना के पीछे की कहानी और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। 1 साल पहले हुए गैंग रेप से शुरू हुई कहानी। इस सनसनीखेज वारदात की कहानी साल भर पहले शुरू हुई थी। गांव के दबंग भंवरलाल पाटीदार, लाल सिंह खतीजा और दिनेश दोस्त थे। तीनों ही गांव के सुरेश लोढ़ा की पत्नी के साथ गैंग रेप किए। सुरेश ने मौके पर पहुंचकर पत्नी को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन जब उसने विरोध किया तो तीनों दोस्तों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा FIR की तो जान से मार देंगे, और वो बदले की आग में चलने लगा। उस वक्त तो सुरेश धमकी से डर गया और पुलिस के पास नहीं गया, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने पत्नी की असमत लुटते हुए देखी थी। उसने कसम खा ली थी कि वह किसी को नहीं छोड़ेगा। अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा था। 6 महीने तक वो चुप रहा और आरोपियों के बेपरवाह होने का इंतजार करने लगा। और इसी दौरान उसने टीवी पर देखा कि डेटोनेटर और जिलेटिन छड़ का उपयोग करके नक्सली जवानों पर हमला करते हैं, जिससे शरीर के चीथड़े तक उड़ जाते हैं। रतलाम जिले में डेटोनेटर और जिलेटिन आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ कुएं बनाने से लेकर मछली मारने तक में इनका उपयोग किया जाता है। सुरेश को इनका उपयोग आता था। उसने पास के गांव सिमलावदा निवासी बद्री पाटीदार से बड़ी संख्या में जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर खरीदे। सुरेश ने सबसे पहले भंवरलाल को विस्फोट से उड़ाने का प्रयास किया। उसने खेत के ट्यूबवेल के स्टार्टर से डेटोनेटर व जिलेटिन छड़ को सेट कर दिया, लेकिन जिलेटिन की छड़ें कम थी, इस वजह से विस्फोट हल्का हुआ और भंवरलाल बच गया। पुलिस ने जाँच की, लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं चल सका। 6 महीने बाद अब सुरेश ने लाला सिंह पर नज़र रखनी शुरू कर दी। लाला सिंह फसलों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर जाता था। उसने भंवरलाल जैसा प्लान तैयार किया। इस बार उसने 14 जिलेटिन की छड़ें विस्फोट के लिए लगाईं। लाला सिंह ने जैसे ही स्टार्टर का बटन दबाया तो धमाके से उसके चीथड़े उड़ गए। रतलाम SP गौरव तिवारी ने बताया कि बिपलांग थाना पुलिस के साथ साइबर टीम और FSL की टीम को जाँच में लगाया गया। घटना वाले दिन ही पुलिस को यह जानकारी मिल गई थी कि गांव के भंवरलाल के साथ भी इसी तरह की घटना हुई थी, जिससे अब बात साफ हो गई कि यह हादसा नहीं हत्या है। आरोपी के बारे में सुराग देने पर 10,000 रुपयों तक का इनाम भी घोषित किया गया। जांच में पुलिस को पता चला कि गांव का सुरेश लोढ़ा घटना के दिन से ही परिवार के साथ गायब है। जानकारी जुटाने पर सुरेश लोढ़ा के सांवलिया जी दर्शन करने जाने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस की टीम ने उसे 6 जनवरी को मंदसौर के पास से पकड़ा। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम देना कबूल किया। फिल्मी अंदाज में नक्सलियों के तरीके से प्रतिशोध लेने वाला सुरेश अपने तीनों ही दुश्मनों को विस्फोट से उड़ा देना चाहता था। इसमें भंवरलाल को उसकी किस्मत का सहारा मिल गया और दिनेश की जान आरोपी सुरेश के पकड़े जाने पर बच गई। लेकिन सुरेश की पत्नी से किए गए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने भंवरलाल पाटीदार और दिनेश पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं की खुदाई के दौरान डेटोनेटर का उपयोग किया जाता है। यहां तक कि नदी और तालाब में मछली मारने के लिए भी इसका उपयोग ग्रामीण करते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।